हाय गाइस, मेरा नाम है अमन। गाइस, मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो तीन पैतरे बताने वाला हूँ जो PUBG कॉर्पोरेशन अपना सकता है इंडिया के अंदर उसका इंडियन वर्जन लॉन्च करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो PUBG मोबाइल इंडियन वर्जन है वो लॉन्च होने से पहले और कितना डिले होगा एंड ये डिले हो क्यों रहा है। तो गाइस, मैं आपको बताऊं कि जो पबजी कॉरपोरेशन है ना, वो इंडियन मिनिस्ट्री से लगातार रिक्वेस्ट कर रही है कि वो उनसे एक मीटिंग सेटअप करे जिसमें वो ये दिखा सके कि उनकी गेम बिल्कुल सेफ है एंड अब किसी भी इंडियन यूजर का जो डेटा होगा वो इंडिया से बाहर नहीं जाएगा किसी भी गलत हाथ में, बल्कि वो इंडिया के अंदर ही सुरक्षित रहेगा। लेकिन जो इंडियन मिनिस्ट्री है वो लगातार पबजी की इस मीटिंग की रिक्वेस्ट को इग्नोर करती जा रही है और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इंडिया की खुद की गेम फौजी। गाइस, आपको ये अच्छे से पता होगा कि हाल ही में प्ले स्टोर के ऊपर फौजी के प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे और उसके इंस्टॉल्स 1 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी वो प्री रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ये अच्छे से जानती है कि फौजी और पबजी के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है और उनके बीच में जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन को फौजी से पहले इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया ना, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी गेमर्स हैं इंडिया के अंदर वो सभी फौजी की तरफ इंटरेस्ट ना दिखाकर वापस से पबजी की तरफ चले जाएंगे। तो इसीलिए बस इंडियन गवर्नमेंट डिले करती जा रही है पबजी मोबाइल के लॉन्च के अंदर, और ये जो डिले है ना इसलिए हो रहा है ताकि जो फौजी के इंस्टॉल्स है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, और ये डिले 1 महीने या 2 महीने या उससे ज्यादा भी टाइम ले सकता है। अब मैं आपको वो तीन पैतरे बताता हूं जिससे पबजी कॉरपोरेशन ये कोशिश कर सकता है कि इसका जो इंडियन वर्जन है वो इंडियन यूजर्स तक किसी तरह से पहुंच सके। तो गाइस, सबसे पहला जो पैतरा अपना सकता है ना पबजी कॉरपोरेशन वो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है कि उनकी गेम इंडियन डेटा की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेफ है एंड किसी भी इंडियन यूजर का डेटा इंडिया से बाहर नहीं जाएगा किसी भी गलत हाथ में, बल्कि इंडिया के अंदर ही सुरक्षित रहेगा। बावजूद इसके कि उनकी गेम बिल्कुल सेफ है, इंडियन मिनिस्ट्री उनको अप्रूवल नहीं दे रही है इंडिया के अंदर वापिस आने के लिए। सेकेंड पैतरा जो वो अपना सकती है वो ये है कि वो अपनी गेम का नाम चेंज कर सकते हैं जिससे इंडियन मिनिस्ट्री का जो अप्रूवल है वो उन्हें जल्दी मिल सकता है एंड वो इंडिया के अंदर जल्दी वापस आ सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा पैतरा। इसके बहुत कम चांसेस है कि वो इसे अपनाए, लेकिन ये भी एक चांस है कि वो हार कर इंडियन वर्जन को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिलीज कर सकते हैं एंड उसके बाद ये किसी के लिए भी इजी हो जाएगा कि वहां से उस गेम को डाउनलोड कर दिया जाए एंड एक बार वो गेम लीक हो गई तो पूरे इंडिया में वो गेम फैल सकती है। तो गाइस, इसके तो काफी कम चांसेस हैं, बट ये तीन पैतरे हैं जो पबजी कॉरपोरेशन फाइनली हार कर अपना सकता है ताकि वो इंडिया के अंदर वापस से अपने इंडियन वर्जन को इंडियन यूजर्स तक पहुंचा सके। तो गाइस, ये थी सबसे लेटेस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट पबजी के बारे में। अगर कोई भी अपडेट पबजी के बारे में आती है तो मैं सबसे पहले आप तक उसे जरूर पहुंचाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। मैं आपके लिए ऐसी न्यू अपडेट एंड क्वालिटी टेक इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।